नीलकंठ। आओ भक्तों, अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव नीलकंठ की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसके बगैर हमारी यात्रा को संपूर्ण कहना सत्य नहीं होगा। नीलकंठ महादेव की यात्रा आप मुख्यतः दो रास्तों से कर सकते हैं। पहला, पैदल यात्रा, जो कि थोड़ी कष्टदायक है तथा लगभग 13 किलोमीटर लंबी है और जंगल के बीचों बीच होकर गुजरती है। दूसरा, आप अपनी सुविधा अनुसार सड़क मार्ग से किसी वाहन द्वारा तय कर सकते हैं, जो कि लगभग 24 किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, जहां से गुजरते समय आपको अपने जीवन की सत्यता का ज्ञान एवं भगवान शंकर का स्मरण अवश्य होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। भक्तजनों, यह मंदिर मुख्यतः नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 200 मीटर पहले सड़क मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर में आपको संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप दर्शन सुलभ है। नीलकंठ महादेव मंदिर। भक्तों, यह मंदिर एक पौराणिक आस्था का केंद्र है। यह मंदिर समुद्र तल से 5500 मीटर ऊपर अवर्णनीय सौंदर्य का प्रतीक है। पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने उससे उत्पन्न कालकूट नामक हलाहल विष का पान लोकहित में किया था, जिसके प्रभाव स्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया था तथा इस प्रभाव को कम करने के लिए मणिकूट की इस सौंदर्यपूर्ण पहाड़ी पर आकर उन्होंने 60,000 वर्षों तक साधना की थी। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं ने उनकी वंदना की तथा जन कल्याण हेतु भगवान शिव ने जिस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी वहीं पिंडी रूप में स्थापित हो गए। तब से इसका नाम नीलकंठ पड़ गया। वैसे तो संपूर्ण वर्ष भक्तों की अपार भीड़ यहां दर्शन हेतु आती रहती है, परंतु श्रावण मास में यहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है तथा यह मंदिर बम बम के जयकारों से गूंज उठता है। अखंड धूना। इसी मंदिर के प्रांगण में है यह अखंड धूना। मान्यता है कि भगवान शिव तपस्या के समय यहीं धूनी रमाते थे। भक्तों, जिस देव भूमि के कण कण में स्वयं हरि की महिमा समाहित है, उसका वर्णन शब्दों के माध्यम व निश्चित समय में करना असंभव ही है, परंतु आप श्रद्धालुओं की भावनाओं के हित को ध्यान में रखकर एक निश्चित अवधि में छोटा प्रयास किया गया है। अगर फिर भी हमसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं। हम
आशा करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया यह छोटा सा धार्मिक यात्रा का प्रयास आपको पसंद आया होगा।